डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर बोस्टन एस्थेटिक से और ये हैं हमारे टिम टिम साहब टिम टिम ये हम गुलबर्ग से हमें रोड पे मिले थे बेचारे छोटे से तो आप माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं नौजवान हो गए। अच्छा आज हमने बालों के मसाइल के हवाले से बात करनी थी बड़ी इम्पोर्टेंट और बालों के गिरने की वजूहत जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और इवन जो मेडिकल साइंस है इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हैं और उसके बावजूद हमें जो है इसकी बहुत सारी वजूहात का भी पता नहीं चला और इसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं हमारे पास हैं लेकिन 100% या गारंटेड इलाज हम अभी भी नहीं कर सकते। इसमें समझने की ज़रूरत यह है कि बालों के मसाइल के हवाले से जदीद मेडिकल तहकीक के बावजूद भी हम डॉक्टर होने की हैसियत से भी बालों के गिरने की मुकम्मल वजूहात और उनके मुकम्मल इलाज की गारंटी नहीं दे सकते। तो एक गैर खानदा और गैर तरबियत याफ्ता इंसान या इदारा आपके बालों को 100% ठीक करने का दावा कैसे कर सकता है? आज हमारी गुफ्तगू का फोकस वो अफराद हैं जो अपने बालों के मसाइल के हवाले से ब्यूटी पार्लर्स का रुख करते हैं और ब्यूटी पार्लर्स में अपने बालों के मसाइल का इलाज तलाश करते हैं। ब्यूटी पार्लर्स के से मुंसलिक जो अफराद होते हैं आम तौर पर उनकी बालों की बीमारियों की वजूहात की तरबियत नहीं होती नाशनाई होती है और बालों के इलाज की तरबियत भी उन्हें प्रॉपर नहीं दी गई होती और ना ही उनके पास लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से या कानूनी तौर पर इसका कोई इख्तियार होता है। तो ब्यूटी पार्लर से मुंसलिक अफराद नहायत काबिल एहतराम हैं काबिल इज़्ज़त हैं और उनका अपना एक दायरा कार है अपने काम का जिसमें बालों की सफाई बालों की कटिंग बालों का रंग करना वगैरह शामिल है। लेकिन अगर आप लोग ब्यूटी पार्लर्स में अपने बालों और सर की जिल्द की बीमारियों के हवाले से इलाज की गर्ज से जाएंगे तो ये एक अच्छा फ़ैसला नहीं है। हमारे पास बालों की बीमारियों के हवाले से दो तरह के लोग आते हैं। एक वो लोग जिनका वाकई ही जेन्युइन बालों की बीमारियों का रीज़न होती है बॉडी के हार्मोनल इश्यूज, उनके जीन फैक्टर उनके ऑटो इम्यून फैक्टर्स बाल चढ़ वगैरह जैसे होता है या इसके अलावा बेशुमार और बीमारियां बालों की होती हैं जिनका वाकई बीमारी होती है। और दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो हमारे पास आते हैं उनके बाल इनिशियली बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन वो पार्लर्स से जाके कुछ ट्रीटमेंट्स करवाते हैं बालों को सीधा करवाने की कोशिश करते हैं या बालों को पर्म करवाते हैं घुंघरियाले करवाते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस इंडस्ट्री में बेशुमार अनट्रेंड लोग हैं और बाज़ात केमिकल्स वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं वो प्रॉपर एक रेशो से यूज़ नहीं किए जाते जो बालों को और उनकी स्किन को भी डैमेज कर सकते हैं और फिर उसके नतीजे में बाज़ात हम हेयर फॉल देखते हैं और हम जनरली हेयर अब्यूज़ भी कहते हैं ये ट्रीटमेंट्स बाज़ात। तो ये भी एक बहुत बड़ी तादाद है पेशेंट की जो हमारे पास बालों की बीमारियों के हवाले से आते हैं। हमारे पास आने वाले बालों के मसाइल के हवाले से मरीज़ों की एक बहुत बड़ी तादाद वो भी है जो कि अपने बालों को कट डाउन करवाते हैं। एशियंस होने की हैसियत से हमारी ख्वातीन के बाल डार्क कलर के होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं और जब वो अपने बालों के रंग को शेड को चेंज करने के लिए कट डाउन करवाती हैं तो बाज़ात अनट्रेंड लोग ऐसे हार्श केमिकल यूज़ करते हैं जिससे बाल काफ़ी डैमेज होते हैं उनके बाल काफ़ी ड्राई हो जाते हैं फ्रिजी हो जाते हैं और इवन हेयर लॉस भी बाज़ात हम देखते हैं। आम तौर पर जब मरीज़ हमारे पास इन मसाइल के साथ आते हैं तो काफ़ी वक्त गुजर गया होता है नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया होता है और फिर अनफॉर्चुनेटली इन बालों की बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है और हीलिंग स्लोली होती है मेडिसिन भी बहुत स्लोली काम करती है इवन मंथ्स टू ईयर्स लग जाते हैं इन प्रॉब्लम्स को बेहतर होने के लिए।